हेलो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी सभी लोगों को कि ये है बचे हुए चावल की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बॉल में चावल ले लिया है। ये बची हुई चावल है, जो आप पकाते हैं ना वो बच जाती है, रात वाली या दिन वाली कोई भी हो आप ले लें। और एक बॉल मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे एक बॉल बच गया था। तो अब यहाँ पर देखिए, एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, इसमें सारे चावल को इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन की कलियां हैं 4 पीस, और 2 पीस मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इसे तीखा चटपटा सा बनाएंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, सूजी यानी कि रवा मैंने लिया है, ठीक है। तो 1/4 कप आप ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सूजी, ठीक है। तो यहाँ पर सूजी ऐड कर लेंगे, और इसे जो है, इससे जो है ना, बहुत बढ़िया सा ये डोसा तैयार होगा, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी ये। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1/4 कप यहाँ पर बेसन भी ऐड किया है। तो इससे क्या होगा कि आपके डोसे में कलर बहुत अच्छा सा आएगा और क्रिस्पी तो बनेगी ही। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नमक भी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नमक भी ऐड कर देना है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया था फ्रेंड्स, और इसे मैंने अच्छे से इसे पीस लिया। तो देख सकते हैं बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितनी गाढ़ी है, बहुत सारी बहुत ठीक हो रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, ले लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते हुए जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चले जाएंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कि कितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से फेटते हुए चले जाएंगे। इसमें हमें कोई भी बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, ना ही इनो डालना है। बस देखते जाइए फ्रेंड्स, और बहुत ही क्रिस्पी डोसा तैयार होने वाला है ये। तो ये देखिए, मेरा बिल्कुल सारा पानी लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना हमें चाहिए, बस सेमी वाला कंसिस्टेंसी चाहिए ये यहाँ पर, कि चम्मच को अच्छे से कोटिंग हो सके। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, एक तवा ले लीजिए, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ये इसके हम पील कर सके, निकाल सके, ठीक है। और अब हम इसे अच्छे से तेल को जो है फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बटर की कंसिस्टेंसी मैं दिखा रही हूँ कि कितना हमें रखना है। तो चलिए एक करछुल मैं यहाँ पर ले लेते हैं और इस तवे पर रखते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है थोड़ा लो कर दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद ही यहाँ पर इस तरीके से, जिस तरीके से हम डोसा फैलाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे फैला लेना है। तो चलिए ये हो गया, ये मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट इसे हम छोड़ देंगे इसी तरीके से, और उसके बाद ही अब हम इसके ऊपर से ऑयल डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल उसके इसके ऊपर से भी हम डाल देंगे, ताकि ये बहुत बढ़िया सा हमारा ये डोसा जो तैयार होगा ना, ये क्रिस्पी सा तैयार होगा और ये चिपकेगा भी नहीं पैन में। तो चलिए हल्का सा इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं। ये बहुत ही मजेदार सा बनता है डोसा फ्रेंड्स, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अब इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज है, बिल्कुल बारीक काट के मैंने इस पे स्प्रिंकल किया है। थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, और अब थोड़ा सा टमाटर भी स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें नमक वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नमक तो पहले ही दिया था ना, तो अब हमें यहाँ पर नहीं देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सांबर मसाला भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर से आप स्प्रिंकल कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे तो स्प्रिंकल कर लिया है। अब 2 मिनट इसे हम पकने देंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा फ्रेंड्स, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हो गया, ये देख सकते हैं बिल्कुल चिपका नहीं है फ्रेंड्स, देखिए ये देख सकते हैं।
और मैं इसे टर्न करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी तैयार हुआ, कितना करारा खस्ता हुआ है ये डोसा, डोसा तैयार हुआ है ना। बस ये बचे हुए चावल, क्या फ्रेंड्स आप ना चावल जो आपके घर में बनती है ना, आप उसी से बना करके ट्राई कीजिए एक बार जरूर से, बहुत ही मजेदार बनती है ये डोसा, आप इसे जरूर से बनाइएगा। तो उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से बनाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।